अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था 7th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 4, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमने इन्हीं दो रिप्रोडक्शन की जो काइंड्स हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें सिर्फ ओनली वन पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है, सिर्फ वन पेरेंट ओनली। ये कौन सी रिप्रोडक्शन है? रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, इस तरह के ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसी जो नई, इनकी जो आगे ऑस्प्रिंग होता है, जो इनकी नई बॉडी बनती है, जो नए इनके ऑस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, सिमिलर। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों की शक्ल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है, तो हम लोग ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में ही होती है जिनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जिनकी जो ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन होती है, वो अपने पेरेंट बॉडी से या पेरेंट सेल से एग्जैक्ट सिमिलर होती है, उनमें कोई चेंजिंग्स नहीं होती। ठीक है, अब बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फॉर इसमें एग्जाम्पल हो जाएगी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना वगैरह। अब इनमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बेसिकली वो आइडेंटिकल होते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट आने वाले जो जनरेशन होती है। ऑफस्प्रिंग बेसिकली जो नेक्स्ट जनरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी को कहते हैं। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, विच आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हम कहेंगे एग्जैक्टली जो सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स। जो उनके पेरेंट्स के साथ सिमिलर होते हैं। अब इन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी पेरेंट बॉडी से एग्जैक्टली मैच करते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं कि वो कोलोन्स भी होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे कि वो कोलोन्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोलोन्स बनते हैं। कोलोन्स क्या होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो वो ऑफस्प्रिंग्स जो नेक्स्ट जनरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म अमीबा है, तो अमीबा फॉर एग्जांपल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो नेक्स्ट आने वाला ऑफस्प्रिंग होगा वो भी एग्जैक्टली इसी शेप का होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ये बेसिकली वो रिप्रोडक्शन होती है in which different kinds of reproductive cells are involved. इसमें दो तरह के reproductive cells होते हैं, उनकी union होती है और एक नया organism बनता है, इसी को हम, एक नया जो cell बनता है इस process को हम कहते हैं sexual reproduction. ठीक है, in which union of reproductive cells reproductive cells take place. यूनियन जो होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स की वो होती है, इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा हम ह्यूमंस में या बाकी भी जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, होता क्या है, इसमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी यूनियन होती है, उनकी यूनियन से एक नया सेल बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये एक और सेल है, दो तरह के डिफरेंट सेल्स हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं फीमेल या मेल, दो तरह के सेल्स हैं, इनकी यूनियन होती है तो एक नया सेल बन जाता है जिसको हम जायगोट कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के। जैसे कि आप हम खुद को ही देख लें, हम लोगों की शक्लें अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं,
बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ी सी एक एवोल्यूशन आती है, वेरिएशन आती है चीज़ों में बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चीज़ें एग्जैक्टली मैच नहीं करती बल्कि वेराइटीज आती हैं. तो जो वेराइटीज बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट सेल से, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के जो प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं. कौन कौन से प्रोसेस होंगे बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, जिसके जरिए पेरेंट सेल जो है वो डिवीजन शो करता है, पेरेंट सेल डिवाइड करता है. पेरेंट सेल बेसिकली डिवाइड करता है, एक तो होता है प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है, इससे भी क्या होती है, सेल डिवीजन होती है. दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन. एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. माइटोसिस बेसिकली एक सेल डिवीजन है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल से. बाइनरी फ्यूजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग. तो पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन के बारे में. बेसिकली बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो भी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का पेरेंट सेल, वो डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बना देता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा, वो रिप्रोड्यूस करता है, उसकी रिप्रोडक्शन होती है बाय बाइनरी फ्यूजन. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करता है, ये इसकी कोई क्या है, अमीबा की पेरेंट बॉडी है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, ये आगे डिवीजन शो करता है. ठीक है, दो सेल्स में ऐसे इसने डिवाइड हो गया, अभी ये दो सेल्स बीच में लिंक्ड है इस तरह से करके. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन कुछ इस तरह से होती है, और उसके बाद एक एट द एंड दो डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी फ्यूजन इस तरह से हो रही है कि पेरेंट सेल है उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, स्प्रेड हुआ है थोड़ा सा, फिर उसमें उनका साइटोप्लाज्म बीच में से यहाँ पे इन्वेजिनेशन हुई है, इन्वेजिनेशन के बाद दोनों सेल्स दो डिफरेंट डॉटर सेल्स बन चुके हैं, और एट द एंड यहाँ पे क्या होता है, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट बॉडी के. तो ये बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं. तो बाइनरी फ्यूजन का ये एक प्रोसेस है, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, आगे हमने पढ़ना है बडिंग. बडिंग बेसिकली क्या होता है, बडिंग बेसिकली होती है कि कोई एक आउटग्रोथ बनती है, कोई पेरेंट बॉडी है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्लांट ले लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रा में एक बेसिकली प्लांट है, उस वो एक पेरेंट बॉडी है, उसके ऊपर क्या होगा, एक आउटग्रोथ बनेगी, ये छोटा सा बड बनेगा, वो बड बेसिकली ग्रो करता है. जब वो ग्रो कर जाए तो वो पेरेंट बॉडी से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और फिर इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से ग्रो करने लग जाता है विदाउट किसी के डिपेंडेंस के. अब उसको फिर ग्रो करने के लिए, टूटने के बाद जब वो ग्रो करता है इंडिपेंडेंटली, उसको अपनी पेरेंट बॉडी की ज़रूरत नहीं होती. इसी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, बडिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक प्लांट है, ठीक है, हाइड्रा, यहाँ पे ये एक प्लांट, इसके ऊपर यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये एक बर्ड बना है इसका. ठीक है, अब ये बर्ड बेसिकली ग्रो करता है, ठीक है, यहाँ पे ये बर्ड ग्रो कर गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसी बर्ड की ब्रेक डाउन हो जाती है ऑलमोस्ट. ठीक है, यहाँ पे ये बर्ड की ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है इस तरह से, और उसके बाद क्या होगा, ये बर्ड बिल्कुल ब्रेक ऑफ हो जाता है, ये इसकी पेरेंट बॉडी एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे जो बर्ड है वो यहाँ पे बिल्कुल
ब्रेकिंग के एज पे था और यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट हो ही जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे बडिंग का प्रोसेस था, एक बर्ड बना, बर्ड ने ग्रो किया, यहाँ पे वो बिल्कुल जब ग्रो कर गया तो ब्रेकआउट होने लगा, और ब्रेकआउट होने के बाद इसने इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लग गया। अब ये जब इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा तो इसके ऊपर भी मजीद बडिंग का प्रोसेस हो सकता है, जिसकी वजह से एक और नया प्लांट बन सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। ये किस में हो रहा है? बेसिकली हाइड्रा में। हाइड्रा एक प्लांट है जिसके अंदर ये हो रहा है, और ये होता है अमीबा में। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस हो गए, बेसिकली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग दोनों। अब जो हमें पढ़ना है बेसिकली यीस्ट, हमने बाइनरी फ्यूजन का जो प्रोसेस डिस्कस किया था, तो जो यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट बेसिकली क्या होता है, ये भी एक सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट है। तो ये भी कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ए सेक्शुअली बाय बडिंग। ठीक है, ये भी क्या है? एक नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर का प्लांट नहीं होता, नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है। और कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय बडिंग। ठीक है, और जो हमने बडिंग का प्रोसेस पढ़ा था, जिसकी जैसे हाइड्रा का पढ़ा था, हाइड्रा के ऊपर एक बर्ड बनता है, वो बर्ड ग्रो करता है और ब्रेकआउट होकर इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, इसी तरह से यीस्ट भी एक नॉन ग्रीन प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्चुअली बाय बडिंग। और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि उसके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट बॉडी के। ठीक है, आगे जो हमने पढ़ना है एक और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि जो एसेक्शुअली ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, ये मोस्टली होते हैं बेसिकली फंजाई में। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस फंजाई। ठीक है, फंजाई भी क्या है? बेसिकली नॉन ग्रीन स्पीशीज़ है। ठीक है, नॉन ग्रीन स्पीशीज़ है, ग्रीन कलर की स्पीशीज नहीं होती। ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्शुअली बाय स्पोर्स, यानी कि इनकी भी रिप्रोडक्शन होती है एसेक्शुअली, और कैसे होती है? थ्रू स्पोर्स। होता क्या है, फर्ज करें ये कोई भी प्लांट है, प्लांट के ऊपर यहाँ पे जो केसिंग सी एक आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिफरेंट स्पोर्स हैं, जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट कर जाती है, टूट जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्पोर्स जब कहीं भी गिरते हैं, गिरने की वजह से वहाँ पे दोबारा से स्पोरेंजिया जो एक नॉन ग्रीन स्पीशीज है वो ग्रो करने लग जाती हैं। तो जो स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं बेसिकली वो किस प्रोसेस से कर रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन से, जिसमें स्पोरेंजिया बर्स्ट आउट होकर स्पोर्स गिरते हैं, और स्पोर्स की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है जैसे कि फंजाई। तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी एक एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्शुअली बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट जितने प्रोसेस थे वो हमने सही से डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हमने नेक्स्ट एक टर्म पढ़नी है वो है रनर्स। अब रनर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट्स की। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, द स्टेम्स यानी कि तने होते हैं, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स विच ग्रो हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं ओवर द सोइल, सोइल के ऊपर, जमीन पे। ठीक है, सच स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स, और इन स्टेम्स को हम क्या कहते हैं? रनर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्ज करें यहाँ पे कोई एक प्लांट है। ठीक है, अब ये प्लांट क्या करता है बेसिकली, अगर ज़मीन इस डायरेक्शन में ऐसे है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अगर कोई प्लांट हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांट है वैसे ज़मीन के साथ इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसी तरह स्ट्रेट जमीन के साथ कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। तो इस प्लांट्स की कुछ स्टेम्स जो हैं, ये वाली जो स्टेम है इसके ऊपर कुछ बर्ड्स होंगे, वो बर्ड्स बेसिकली क्या करते हैं? ग्रो करवाते हैं वहाँ पे, उन बर्ड्स में से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स हैं जिनके जो तने हैं वो ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और उनके ऊपर कुछ ऐसे
बर्ड्स होते हैं जो एक नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं जमीन के साथ, इन प्लांट्स को या इन स्टेम्स को हम कहते हैं रनर्स। इन प्लांट्स की ये जो स्टेम्स होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं रनर्स। ठीक है, तो यही तक था आज का हमारा टॉपिक। आप अपने नोट्स निकाल लें जो हमने आपको प्रोवाइड किए। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किया। डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्शुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर कोलोन्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बडिंग। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ यीस्ट रिप्रोड्यूसेस। एंड क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर रनर्स। क्वेश्चन नंबर 14, यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। और उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।